हेलो दोस्तों, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपको बेस्ट कूपन और बेस्ट डील का इंतजार रहता है, तो आपका इंतजार अब खत हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाकर आप क्लिक करेंगे सीधे इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया डील और बहुत ही अच्छे कूपन होते हैं, जिससे आप बहुत सारा पैसा अपना बचा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी इस कूपन का उपयोग करिए। आज के लिए बस इतना। ऑनलाइन गेम ऐप पबजी पर प्रतिबंध के बाद टेंसेंट का मार्केट पूंजी 2.48 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे चैनल का मेंबरशिप लेकर आप हजारों लाखों रुपए का इनाम भी जीत सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। हाल ही में हिंदुस्तान सरकार ने कई मोबाइल ऐप प्रतिबंध किए हैं, जैसे गेमिंग को लेकर और डेटिंग ऐप्स को लेकर, जो लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा अटते थे। लेकिन चर्चा चीनी कंपनी की ऑनलाइन खेल ऐप पबजी पर प्रतिबंध क्यों हो रही है। पबजी का जो मालिक है चीनी कंपनी टेंसेंट के पास है। हिंदुस्तान में पबजी का जो हिस्सेदारी है 5% से भी कम है, लेकिन पबजी पर प्रतिबंध लगाने से कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा है। यह एक बड़ा मार्केट कंपनी के हाथ से फिसल गया है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को भी झटका लगा है। पबजी के प्रतिबंध होने से टेंसेंट को बड़ा झटका लगा है। टेंसेंट का मार्केट पूंजी बाजार हैसियत 2.4 लाख करोड़ रुपए कम हो गया, जो इस वर्ष की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऐप वी चैट पर प्रतिबंध लगाया, तब कंपनी को 4.81 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। प्रतिबंध के बाद पबजी मोबाइल पर तो नहीं खेल सकते, लेकिन कंप्यूटर के डेस्कटॉप वर्जन अब भी कार्य कर रहा है। वहां जाकर आप आसानी से पबजी गेम खेल सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर। दुनिया की बात करें तो 2019 में कंप्यूटर गेम का मार्केट 16.9 अरब डॉलर है। इसमें मात्र 4.2 अरब डॉलर की हिस्सेदारी चाइना के पास है, मगर इतनी हिस्सेदारी लेकर वो सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर जापान और फिर ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। हिंदुस्तान में इस उद्योग का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन वह अब भी 1 अरब डॉलर से कम का कारोबार कर रही है पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान रेवेन्यू के मुद्दे में गेमिंग को सिर्फ 5 राज्यों और राष्ट्रों में भी नहीं है, लेकिन उभरता हुआ मार्केट जरूर है। भारत के रूटर्स नामक कंपनी ऑनलाइन गेमिंग के स्ट्रीमिंग पर नजर रखती है। इस कंपनी के आंकड़े की पबजी के सिर्फ हिंदुस्तान में 175 मिलियन डाउनलोड रहे हैं। इसमें सक्रिय उपभोक्ता एक्टिव यूजर 75 मिलियन के आसपास है। चाइना से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में पबजी खेलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कमाई कम रही है, क्योंकि पैसा खर्च कर गेम खेलने वालों की तादाद हिंदुस्तान में बहुत ही कम है। दरअसल हिंदुस्तान में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की तादाद दुनिया के दूसरे बड़े राष्ट्र के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए भविष्य में हिंदुस्तान को गेमिंग हब के तौर पर देखा जा रहा है। अगर किसी कंपनी को हिंदुस्तान के मार्केट से बाहर निकालना पड़ा या निकाला जाए, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। उपभोक्ताओं की संख्या बहुत बड़ी कम हो जाती है। हिंदुस्तान में 14 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बच्चे युवा ऑनलाइन गेम को सबसे ज़्यादा खेलते, लेकिन 25 से 35 वर्ष वाले ऑनलाइन गेमिंग पर पैसा खर्च करते हैं। रूटर्स के मुताबिक पबजी पर प्रतिबंध के बाद फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ्री फायर सिंगापुर की कंपनी ने बनाया है, वह हिंदुस्तान में इसे खेलने वालों की संख्या अभी 5 करोड़ के आसपास है। वह कॉल ऑफ ड्यूटी का उपभोक्ता लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। हिंदुस्तान में हर तरह के मोबाइल ऑनलाइन गेम और देखने वालों की संख्या लगभग 30 करोड़ है, जो पूर्णबंदी में बढ़ती जा रही है। कुछ भारतीय खेल भी हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे बबल शूटर, मिनी जॉय लाइट, गार्डन स्केप, कैंडी क्रश। पूर्णबंदी से पहले ऑनलाइन गेमिंग में कंज्यूमर 13 से 15 मिलियन होते थे, जो अब बढ़कर 50 मिलियन हो गए हैं। फेडरेस ऑफ भारतीय फेटेंसी स्पोर्ट एंड अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार कंपनी KPMG की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय फेटेंसी गेम कारोबार खेल कारोबार अब 9 करोड़ उपभोक्ताओं का हो गया है। इसमें से 20% लोग फैंटेसी गेम खेलने के लिए पैसे भी खर्च करते हुए, 1/3 लोग ऐसे भी हैं जो प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं। 400 से ज़्यादा है स्टार्टअप। हिंदुस्तान का घरेलू ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 2016 में अनुमानित 29 करोड़ डॉलर था। एक अनुमान के मुताबिक ये उद्योग 2021 तक 100 करोड़ डॉलर होने के आसार है। वह 2024 तक इसका मूल्य 370 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। हिंदुस्तान में लगभग 400 से ज़्यादा गेमिंग स्टार्टअप वर्तमान में कार्यरत है। तो आप भी देख सकते हैं, गेमिंग का अगर पबजी बंद हुआ है तो भारत को कम नुकसान हुआ है, चाइना को ज़्यादा नुकसान हुआ। आपको क्या लगता है कि पबजी बंद हो जाना चाहिए भारत से पूरी तरीके से? तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।